हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं शॉर्टकट फ्रॉम लॉक स्क्रीन के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड सेटिंग पर। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग पे जाना है। सिस्टम सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट फ्रॉम लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है। आप इसे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, अलाउ एक्सेसिबिलिटी फॉन्ट शॉर्टकट टू बी एक्सेस फ्रॉम द लॉक स्क्रीन, यानी कि आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ से ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद आपका ओके हो जाएगा। ओके होने के बाद आप देख सकते हैं, देखिए शॉर्टकट ये आपका शॉर्टकट है, और शॉर्टकट से आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टकट फ्रॉम लॉक स्क्रीन आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लॉक स्क्रीन शॉर्टकट में आता है, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से लॉक स्क्रीन कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से ऑफ़ कर देंगे और यहाँ से शॉर्टकट को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।